या पहली बार जिंदगी में मैं क्रू को इतना मिस कर रहा हूँ। कैमरा करना पड़ रहा है, लाइट करनी पड़ रही है, एंगल चेंज करने पड़ रहे हैं, टूल्स लेके आने पड़ रहे हैं, सब्जी लेके आने पड़ रही है, ऑर्डर भी खुद करना पड़ रहा है, खाना भी खुद पड़ेगा। खाना तो टेस्टी होगा ऐसे, आई एम प्रीटी श्योर। ओह या, पिछले 3-4 दिनों से मैंने अपने आप को घर के अंदर बंद करके रखा है क्योंकि बाहर मिस्टर करोना भाई साहब अपने करोड़ों दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, तो बाहर जाना हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है और ना ही बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए अच्छा है। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे एट होम, ये सोशल डिस्टेंसिंग को कंटिन्यू करें ताकि ये जो वायरस है ये ज्यादा से ज्यादा ना फैले। और मुद्दे की बात यह है, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं हो गया हूँ जबर बोर, मैं बहुत पक गया हूँ अपने घर में। मैं पिछले 3-4 दिनों से सेम चीजें कर रहा हूँ, गमलों में पानी डाल रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, फिर कपड़े धो रहा हूँ। लाइफ के ऊपर कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ। अब सीन ये है कि मैंने सोचा कि मैं करूँ क्या, बट आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों चीज़ को मिला दिया जाए। अब मैंने अपने आप को इस प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं खुद के लिए खाना बनाऊंगा एंड मिस्टर गूगल से मैं रेसिपीज देखूंगा, मैं खाना बनाऊंगा खुद के लिए और खुद ही खाऊंगा और खुद ही को रिव्यू दे दूंगा। रिव्यू तो मैं दे दूंगा, पर सीन ये है कि यार आई एम अ वेरी बैड कुक, सो मैं खुद स्टार्टिंग में बहुत सिंपल बनाना चाहता हूँ, लाइक अ कोल्सला सैंडविच। यू नो व्हाई? ओके गूगल, How do I make a coleslaw sandwich? Would you like to start with ingredients or instructions? Ingredients? There are 14 ingredients. You can ask for the next ingredient or skip to the instructions. The first ingredient is 1/4 cup finely chopped cabbage. अबे coleslaw sandwich banana hai, madam. क्या आप क्या बता रही हो? Next. मुझे लगता है ये Google का बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है कि अपने दिमाग के कोने की गहराइयों से ही I can't help with that yet. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा कोल्सो सैंडविच। मुझे लगता है ना कि वो मेरी मदद करेगा, मुझे लगता है अपने दिमाग की गहराइयों से मुझे कोल्सो सैंडविच बनाना पड़ेगा। हमें आज क्या क्या चाहिए? एक चॉपिंग बोर्ड जो पहले से ही काफी घिसा हुआ, एक पीलर जो कि है नीला इन कलर, दिस राइम्स, एक छोटा चाकू, चाकू का बड़ा पापा, बड़ा चाकू जिसे हम काटेंगे सब्जियां। So, जब हमारे पास ये सारे टूल्स आ गए उसके बाद हमें चाहिए होंगी सब्जियां। सब्जियां देखनी है कैसी होंगी, ये देखो। टबास्को सॉस एंड देन एक ही चीज स्लाइस पड़ी हुई थी, एक चीज स्लाइस, ये मैं पता नहीं क्यों डालूंगा लेकिन चीज स्लाइस बहुत सही लगती है मेरे को। That's why. I just hope जो मैं बना रहा हूँ वो काफी अच्छा बने and let's see, hoping for the best. ये हो रहा है शावर। अहा, सबसे पहले लेंगे हम खीरा। खीरा बहुत आसान है काटना, है ना? अब क्या चाकू है भाई, इसको घिसना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जहर होता है और जो जहर है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये जहर हम कोरोना वायरस को क्यों नहीं दे सकते हैं, कोरोना वायरस को अगर हमने ये जहर दे दिया तो कोरोना वायरस मर सकता है। अभी गाजर छील लेते हैं। गाजर, पहले ये गाजर देखने में ऐसा लगता था लेकिन अब ये गाजर ऐसा लगता है। पत्ता गोभी इज फकिंग सेल्फिश यो। शिट गाइस, ये देखो, देख रहे हो ये? ब्लड। लेकिन दोस्तों ये याद रखना, खाना बनाते बनाते ऐसे छोटी मोटी कुर्बानी तुम्हें देनी पड़ेगी। यू हैव टू बी अप फॉर इट। दीदी, यार दीदी एक वो दे दो यार, बैंडेज दे दो। अगर मैं जिंदा नहीं बचा तो प्लीज मुझे मिस मत करना। ये ड्रामा मत करो, क्या है ये? कितना कटा है दिखाओ। बहुत ज्यादा कट गया है। जीजू और दीदी और ये दोनों बहुत टेंशन ले रहे हैं। मेरे जीजू उतना ले नहीं रहे, हंस रहे हैं। बहन भी मेरी हंस रही है। दे डोंट केयर अबाउट मी गाइस, इवन इफ आई डाई। एक से हाथ धो लेता हूँ। तो मरम पट्टी हो चुकी है, बैंडेड हमारा लग चुका है एंड हमारे जो हेल्पर्स थे वो वापस जा चुके हैं। सम पीपल आर ग्रेट बट यू नो व्हाट, आई एम ग्रेटर देन द रेस्ट ऑफ देम एंड अब अपने को छीलना है। तो मैं काम कर रहा हूँ,
इन सब ये देख के बोर जाओगे तो तुम ये सब मोन्टाज में देख लो। इसको ना तेज घिसने से ना डर ये लगता है कि उंगली छिल रहा है यार, इसलिए मतलब थोड़ा ऐसे प्रोटेक्शन क्या करना पड़ रहा है। ये देखो इसलिए बीटरूट पसंद है, ये देखो कलर बहुत शानदार ऐड करता है ये। तो बैस्को जिन लोगों को पसंद है, मतलब मुझे थोड़ा सही लगता है ये, इसका इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा डाल देंगे क्योंकि थोड़ा बहुत सही फ्लेवर देता है। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा, यू नो व्हाट दिस इज, दिस इज द मैजिक इंग्रेडिएंट। मोर एंड द मोस्ट। ये आप देखिए इसको हम मिलाएंगे शानदार तरीके से। वाह, तो अपना कोलस्लो पूरा तैयार हो गया, बस अपने आपको ब्रेड लाने का, उसके बाद उसके साइड काटने के, उसके बीच में ही डालने का, डायगनल काट के सर्व कर देने का, इस पर ऐसे रख देने का, बस पूरे हियर लाइक दिस एंड यू नाउ बैम। अपना दूसरा, ओ शिट, देखो इधर गिर गया यार, इधर गिर गया, फक। इसको ऐसे उठा के इधर रखने का। तो ये मैंने बना दिया है, लेकिन प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, तो मैं वापस से एक सुंदर सी प्लेट लाऊंगा, उस पर अच्छे से प्रेजेंट करूँगा, एंड देन आई ईट इट मायसेल्फ, एंड मैं अपने जीजू और बहन को भी खिलाना चाहूँगा, उसके बाद मैं इनका रिव्यू लूँगा। ओह ये जो पत्ता होता है ना, ये एकदम ऐसे रिच फील्स ले आता है इसके अंदर। सो दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू। बहुत थक गया यार, अगर बहन को पसंद नहीं आना और मुझे पसंद नहीं आना तो मैं बहुत दुखी हो जाऊँगा। We're back! Final! Oh yeah! Didi! I hope you like it! तां टी-शर्ट पे होप लिखा हुआ है। ये लो। पहले ये बताओ प्रेजेंटेशन के कितने नंबर दोगी मुझे? प्रेजेंटेशन के? देखने में तो ठीक है यार, टेस्ट का पता करना पड़ेगा। What do you think? Out of the world experience हुआ? Taste better है presentation से। Presentation से ज़्यादा better taste है? God damn, that was the motive। यही होती है, बड़ी बहनें कभी भी खुश नहीं होती। And no matter how। अच्छा बना है। क्या? अच्छा बना। अच्छा बना ना? ये सिर्फ तुम कैमरा खेल के रही हो ना? नहीं यार, actually मैं खा रही हूँ, खत्म कर दूँगी। तो मेरी बहन ने मुझे बोल दिया है कि ये काफी अच्छा है, सो अभी मैं जाऊंगा और मैं खुद टेस्ट करना चाहूंगा। सो लेट्स गो। एक सैंडविच तो मैंने अपनी बहन को दे दिया, दूसरा सैंडविच मैंने अपने जीजू को दिया, और जीजू जब खा रहे थे, जब मैं उनका पार्ट रिकॉर्ड कर रहा था, तभी मेरा फोन का बैटरी ऑफ हो गया, सो आई डोंट नो कि वो फुटेज बचा है कि वो फुटेज नहीं बचा है। तो इसलिए मैंने अपनी बहन को बोला कि थोड़ा सा सैंडविच मेरे लिए छोड़ देना, तो उसने थोड़ा सा सैंडविच मेरे लिए छोड़ दिया, और इतनी मेहनत करने के बाद मेरे को जूठा सैंडविच खाना पड़ेगा, लेकिन जूठा खाने से तो प्यार बढ़ता है। एंड ये सैंडविच की हालत देख के मुझे लगता नहीं है ये टेस्टी है, पता नहीं कोल्स रहा था उस टाइम पर काफ़ी टेस्टी लग रहा था, बट मुझे लगता है कि मेरी बहन ने कैमरा के लिए काफ़ी एक्टिंग करी है, और फिर उसने जाके ये बोला कि उसे बहुत सही लगा है, तो मैं भी एक बार ही खाना चाहूँगा इसे ब्रेड के साथ पहली बार। इज नॉट बैड, नॉट गुड, नॉट बैड। अगर मेयोनीज थोड़ा और होता तो काफी शानदार हो सकता था, लेकिन कोल्सलो बुरा नहीं है, कोल्सलो इज रियली गुड। द ब्रेड इज टू सोगा एंड द कोल्सलो इज टू जूसी, तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। टेस्ट अच्छा है, कलर अच्छा है, चीज मेरी बहन खा गई तो मैं चीज खा नहीं पाऊंगा, और ये डंडे का मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। मैं सब दुआ करता हूँ, आप सब प्लीज घर पर रहिए, बाहर मत जाइए, क्वारंटीन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, जितना लोगों से मिलेंगे उतना वायरस फैलेगा, ठीक है। बहुत सारे वीडियो के साथ हम आ रहे हैं, ओके टेस्टेड इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, बाय बाय, चस चस चस। तो इसके गिलास भी होता है, तो ये लो प्लेट से चीयर्स।